हाँ जी बेटा जी, जैसे कि मैंने कहा था, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। तीन क्लासों का कंक्लूजन है जो आपको याद रहना चाहिए। मेरे एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया कन्वर्जन का, उस वक्त कॉन्सेप्ट से ज्यादा ट्रिक्स काम आती हैं, क्योंकि ट्रिक हमारा समय बचाती हैं। ठीक है, मैं अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना, सब याद है, एक स्टोरी की तरह फील करना, जो बातें बोलूंगा उन पे ध्यान देना, कुछ कुछ बातों पर स्ट्रेस डालने वाला हूं। अच्छा, अब यार पिक्चर याद कैसे रहेगी एग्जाम में? तीन पिक्चरें याद करनी है, एक पिक्चर को याद करने के लिए ट्रक याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रक दिख रहा है सर? ट्रक सुनते ही याद आ जाता है, ट्रक। पूरी कहानी याद करो, सर ने कहा था मिलिट्री ने 100 करोड़ के ट्रक लिए, पुराने होते गए, पुराने हो गए तो उनपे क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। सर ने कहा था ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगा है, ये पिक्चर के अंदर आपको हेल्प करने वाला है, ध्यान देना, ट्रक डेप्रिसिएशन, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है सर, रख लेंगे, जरूर करना पड़ेगा बेटा। ट्रक डेप्रिसिएशन, ट्रक, ये याद है। फिर आ गए आप मार्कर के ऊपर, कैमलिन मार्कर, एलपीजी सिलेंडर, गुड। ठीक है जी, मार्कर की बात करी थी आपने, याद आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। कैमलिन का मार्कर ले लो, एलपीजी, एलपीजी का सिलेंडर आता है, रोटी सब्जी बनती है जिसके ऊपर, ध्यान देना, एलपीजी सिलेंडर की बात करी थी आपने, एलपीजी सिलेंडर और मार्कर पे बात करी थी। मार्कर के ऊपर हमारा कौन सा टैक्स लग रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। कौन सा टैक्स लग रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स। एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सरकार हमें सब्सिडीज देती है, याद आ रही है? ये आपको हेल्प करेंगे, ये फॉर्मूले पे कमांड करने में आपकी हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे, 100% करेंगे। ट्रक पुराने होंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, मार्कर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडीज लगेंगी, सब्सिडीज ऑफर करती है सरकार। तो इससे हमने एक फॉर्मूला याद करा था, क्या याद करा था सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फॉर्मूला था? पब्लिक ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया माइनस गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडीज दी। शब्दों पर ध्यान देना बेटा, बिल्कुल याद हो रहा है सर, ये बात नहीं भूलोगे, मैं बार बार बोलता हूं। ट्रक चलेंगे, पुराने होंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, याद है? कैमलिन के मार्कर के ऊपर हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा, किसी भी गुड पे टैक्स देते हैं, किसी गुड पे सब्सिडी मिलती है, फॉर्मूला याद है सर? बिल्कुल याद है, ओके, रिपोर्ट है, ध्यान देना। कैमलिन हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर अभी आपने जहाज की बात करी थी, नोट कमाए इंडिया में, ठीक है जी। फ्लाइट ने आपको हिंट दिया, फ्लाइट ने आपको हिंट दिया, आज की क्लास में मैंने जहाज की बात करी, जहाज अगर उड़ेगा इंडिया के अंदर तो डोमेस्टिक है, अगर जहाज इंडिया के बाहर भी घूमता है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों बोल देते हैं, ठीक है सर? फ्लाइट भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फ्लाइट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो उसने आपकी हेल्प करी, ज्यादा हेल्प किसने करी? आंटी का नाम याद रखना, नफिया आंटी का, नफिया आंटी ने क्या याद कराया था आपको? नफिया आंटी ने कहा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने कितना नोट कमाया अभी थोड़ी देर पहले कराया, तो सर याद है, ये तो याद है, पुराने में थोड़ी दिक्कत आनी थी, वो आपने हेल्प कर दी। ट्रक पुराने होंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी, मार्कर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, ओके, रिपोर्ट याद है। आंटी ने क्या सिखाया? इंडिया ने कितना पैसा कमाया अब्रॉड से माइनस अंग्रेज कितना कमा के ले गए इंडिया से फ्रॉम माइनस टू, ये बेसिक याद रखना, ठीक है सर। यार याद है पहली क्लास थी, पहली क्लास, ट्रक बेसिकली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या है सर? ट्रक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ट्रक हमारे लिए क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है। क्या थी ट्रक हमारे लिए? क्या थी सर जी? इन्वेस्टमेंट थी, याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है, ट्रक सर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट थी, फिर बोलो ट्रक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हुई थी, गैप क्या था? डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपने बेसिकली फॉर्मूले में शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, ग्रॉस को किससे डिनोट करा था सर? जी। ग्रॉस को किससे डिनोट करा था? जी। नेट को किससे डिनोट करा था? एन। फिर बोलते हैं ग्रॉस को किससे डिनोट करा था? जी। ये बात याद होनी चाहिए आपको, जी का मतलब हो गया ग्रॉस, एन का मतलब क्या हो गया? नेट, ठीक है सर। ट्रिक के अंदर ना बेसिक है, बेसिक याद होने चाहिए। कहानी, ट्रक पुराने होंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, अच्छा आपने बताया था जी ग्रॉस, एन बताया था नेट, बेटा ग्रॉस आपने बड़ा छोटा याद करना है, ऑब्वियसली ग्रॉस वैल्यू बड़ी होगी, नेट वैल्यू बड़ी होगी,
ट्रक नए लिए थे तब कीमत ज्यादा थी या ट्रक पुराने हुए तो कीमत ज्यादा हुई? सर जी बिल्कुल, जब ट्रक नए लोगे, जब ट्रक नए लिए थे तो 100 के थे, याद आ रहा है, जब ट्रक पुराने हुए तो 80 के हो गए थे, याद आ रहा है बिल्कुल सर। तो ग्रॉस बड़ा है, हमने बड़े छोटे की गेम बनानी है, यही हमारी ट्रिक है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। क्या बोला मैंने? ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, ध्यान देना। ठीक है सर, ओके। फिर उसके बाद फिर आपने कराया था मार्कर सिलेंडर, मार्कर और सिलेंडर से आपने बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट, ये डेप्रिसिएशन के जैसे ही हो गया। आपको पता है इन दोनों का जो बीच का गैप है ग्रॉस और नेट का, वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन है। ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन ही लगता है, याद रखना। आपने बेसिकली याद करना है जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, उनका गैप डेप्रिसिएशन। बड़ा कौन? ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, ध्यान देना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट फैक्टर कॉस्ट। कोई भी गुड है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, पहले फैक्टर कॉस्ट देखा जाता है, फैक्ट्री में कितने का पड़ा, फिर मार्केट प्राइस। याद आ रहा है आपको? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी पिछली वीडियो में भी बोला था आपको कि मैंने कहा था कोई अगर ये मार्कर 10 रुपए का है तो सरकार को मेरे को 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स देना है। तो 10 से कितने का हो गया? मार्केट प्राइस 12 का। एलपीजी सिलेंडर अगर 900 रुपए का है तो सरकार ने मुझसे 200 रुपए की सब्सिडी ले ली, कितने की होगी? 900 में से 200 का कितना हो गया सर? 700। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, गैप क्या है? गैप है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या गैप है सर? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का गैप याद होना चाहिए। जैसे ग्रॉस और नेट, ट्रकों का गैप डेप्रिसिएशन था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का गैप एनआईटी है। बड़ा कौन है? एमपी बड़ा है। बड़े छोटे की गेम याद रखो, मार्केट प्राइस बड़ा है। ऑब्वियसली सर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट होता है, सब्सिडी का इफेक्ट होता है, तो ये बड़ा है। फैक्टर कॉस्ट छोटा है। इतना लिखवाने के बाद आपने बेसिकली भी यही याद करना है, ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, एमपी बड़ा, एफसी छोटा, और गैप। ठीक है सर। फिर अभी तो ताज ताजा याद कराया सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नोट कमाए इंडिया, नेशनल प्रोडक्ट नोट कमाए इंडिया प्लस अब्रॉड, गैप क्या है? आंटी है। गैप कौन है? आंटी है, ध्यान देना, नफिया आंटी गैप है। ठीक है। बड़ा कौन है? बड़ा है हमारा एनपी बड़ा है। कौन बड़ा है सर? एनपी बड़ा है, डीपी छोटा है। अभी फॉर्मूले के ऊपर कमांड हो जाएगी, बेसिक याद रखना है। फिर रिपीट करता हूं, इतनी बार मैंने कभी रिपीट नहीं करा, ट्रिक है बेटा। जी बड़ा है, एन छोटा है, याद है। एमपी बड़ा, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग याद रखना, जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा। ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया सिर्फ, नेशनल मतलब इंडिया प्लस अब्रॉड, एनपी बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। ये गैप, ये चीजें याद करनी है। आराम से नोट डाउन करो, धीरे धीरे नोट डाउन करो। न्यूमेरिकल कल अगली क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले चीजों पर कमांड होनी चाहिए, शब्दों पर ध्यान देना। ओके, रिपोर्ट है सर, याद हो गया। अब तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, 10 बार दोहराओ दिमाग के अंदर। ट्रक लिए थे नए, न्यू, न्यू वाले वैल्यू बड़ी होगी, ये पुराने होंगे ओल्ड होंगे वैल्यू कम होगी। जी बड़ा है, एन छोटा है, गैप डेप्रिसिएशन है, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ट्रक से कैमलिन का मार्कर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स, सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी, किसी गुड पे टैक्स भरना होता है, किसी गुड पे सर्विस, उन दोनों का गैप निकालते हैं एनआईटी, याद है सर बिल्कुल। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, एमपी बड़ा है, ये चीज अगर याद है ना, एमपी बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, गैप एनआईटी है, डीपी छोटा, एनपी बड़ा, गैप एनएफआई है। लिख लो फॉर्मूले पे भी, ओके रिपोर्ट कमांड करा देता हूँ, ध्यान देना। इतना नोट डाउन करो, बस ये ट्रिक थी। ये ट्रिक के अंदर आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन है। जी बड़ा है, एमपी बड़ा है, एनपी बड़ा है, बड़े वाले याद है, अभी समझ आ जाएगा बिल्कुल सर। यहां तक नोट डाउन करो बेटा, फटाफट जल्दी करो। हाँ जी बेटा, जी बेटा आपने मेन बात तो याद कर ही ली, जैसे कि अभी हमने याद करा कि जी, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, ध्यान देना, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, बिल्कुल ठीक है सर। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, गैप क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या गैप है? डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। एक और चीज याद करी, जी ग्रॉस है, एन नेट है, बड़ा कौन है? ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस बड़ा है, एन छोटा है, ये याद है बेटा। अभी आपके दिमाग में एक बात डालूंगा, एक मिनट में खींच लेना बात को, दिमाग में हिट कर देना बेटा। जब बड़ी वाली चीज कैलकुलेट करनी होती है ना,
आपको मैं एक ट्रिक में एक और चीज ऐड करा रहा हूँ, बिग वाल। अगर कोई बड़ी चीज कैलकुलेट करनी है, बिग निकालनी है, जैसे बिग वाले में क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड करते हैं। क्या करते हैं सर? बिग वाले में ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं? गैप होता है बेटा, जो यहां पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है, बिग वाले में ऐड, स्मॉल वाले में सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया सर? अगर मुझे जी निकालना है तो मुझे प्लस करना होगा, अगर मुझे छोटा वाला एन निकालना है तो मुझे माइनस करना होगा। ये मुझे हेल्प करेगा ध्यान देना बेटा जी। ठीक है सर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे जी निकालना है, जी क्या है? बड़ा है। अगर मुझे जी निकालना है, ये मेरा आंसर है, मुझे जी कैलकुलेट करना है, तो जी अगर मुझे बेटा कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एन क्या कहा था अभी आपको याद आ रहा होगा, बड़े वाले में बिग वाले में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं सर? बड़े वाले में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड क्या करेंगे? गैप ऐड करेंगे। जी और एन का गैप क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ सर? बिल्कुल याद हो गया, अब नहीं भूल सकते। जैसे कि आपने याद कराया, ट्रक पुराने होंगे, गैप डेप्रिसिएशन है। ग्रॉस नेट का गैप डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेट का गैप डेप्रिसिएशन, ये गैप है सर, ध्यान देना, ग्रॉस और नेट का गैप डेप्रिसिएशन। अगर जी निकालना है, LHS को देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, जी निकालना है, बड़े वाले में प्लस होगा डेप्रिसिएशन। अगर यही मेरे को एन निकालना होगा, ध्यान देना, अगर मुझे एन निकालना है, एन क्या है? छोटा है, ध्यान देना, एन छोटा है, एन छोटा है, तो एन वाले में क्या करेंगे? माइनस, बड़े वाले में प्लस, क्रॉस बड़ा था, प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मुझे एन निकालना है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। मैंने कहा था ना, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। माइनस क्या करेंगे सर? डेप्रिसिएशन, जो गैप है। ये क्लियर हो गया? ट्रिक बिल्कुल काम आई है, दो बार रिपीट करेंगे। ठीक है सर, क्या बोला बेटा मैंने? जी बड़ा है, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। जी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जी लिखा है, जी इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, एन इक्वल टू जी माइनस डेप्रिसिएशन, ये निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये दे रखा होता है जो आपको कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? जो आपको कैलकुलेट करना होता है। यही सेम टेक्निक आगे भी काम आएगी। ग्रॉस और नेट का गैप डेप्रिसिएशन होता है। फिर मैंने आपको बोला फैक्टर कॉस्ट, FCMP, याद कराया ना थोड़ी देर पहले, गैप कौन है? NIT। FCMP का गैप बोलो सर, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, ये आपका गैप है, याद हो गया। बड़ा कौन है? MP बड़ा है, MP बड़ा है, FC छोटा है। क्या सिखाया? बड़े वाले में ऐड होता है, छोटे वाले में सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। मुद्दे पे रहो सर, इतनी देर से ये याद करने की कोशिश करें, जी बड़ा है प्लस डेप्रिसिएशन, एन छोटा है माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फिर हमने भी देखा MP ये निकालना है, MP निकालना है, FC निकालना है, MP बड़ा है, बड़े वाले में प्लस होता है, छोटे वाले में माइनस होता है। दिख रही है, हाईलाइटेड चीजें दिख रही है आपको, MP निकालना है, MP क्या था? बड़ा था, बड़े वाले में प्लस होगा, प्लस क्या होगा? गैप, FC प्लस NIT। अच्छा जी सर, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको शिफ्ट। FC प्लस NIT, देखा नहीं, बड़े वाले में प्लस हुआ, बड़े वाले में प्लस हुआ, छोटे वाले में माइनस हुआ। FC इक्वल्स टू MP माइनस NIT। ट्रिक काम आ रही है, बिल्कुल सर काम आ रही है ट्रिक, बहुत ही बढ़िया जी, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। लास्ट भी जिस बच्चे को ये दोनों समझ आ गए उसको ऑटोमेटिकली वो भी समझ आ जाएगा। DP छोटा है, NP बड़ा है, गैप कौन है? गैप आंटी है, ध्यान देना, नफिया आंटी पे ध्यान दो। ठीक है सर, ये गैप है, आपको याद होना चाहिए छोटा बड़ा और गैप, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। बड़ा कौन है सर? बड़ा NP है। छोटा कौन है? DP है। बड़े वाले में सर ने क्या सिखाया है? बड़े वाले में ऐड करो, छोटा कैलकुलेट करना है तो सर सब्ट्रैक्ट करो। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है सर। अगर मेरे को निकालना होगा NP निकालना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे NP लिखा है तो प्लस होगा, अगर मेरे को DP निकालना है तो माइनस होगा। क्या प्लस और क्या माइनस होगा? गैप। NP इज इक्वल्स टू
डीपी प्लस एन एफ आई ए और डीपी इक्वल्स टू एन पी माइनस एन एफ आई ए। ठीक है सर, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट याद है, आपने छह के छह अपनी टेक्निक से याद करा दिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनपी हमारा बड़ा है और डीपी हमारा छोटा है। ट्रिक में बेसिकली क्या सिखाया बेटा, बड़े वाले में ऐड जो भी टर्म्स बड़ी हैं, बड़ी वाली टर्म्स याद करते हैं, ग्रॉस बड़ा है, एमपी बड़ा है, एनपी बड़ा है, ग्रॉस बड़ा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है, छोटा कौन है जी, नेट छोटा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है। बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस, बार बार एक बात बोली, बड़े में प्लस छोटे में माइनस। अच्छा बड़ा याद और छोटा याद हो गया, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है बेटा। गैप मत भूलना, ट्रक जीएम का गैप, ट्रक डेप्रिसिएशन, कैमलिन का मार्कर और एलपीजी सिलेंडर, गैप क्या है एनआईटी, ये मत भूलना। गैप भूल गए, बड़ा छोटा भूल गए, पिक्चर फ्लॉप है, था ध्यान देना। डीपी इंडिया, एनपी इंडिया प्लस ओवरऑल, ये याद रहता है बच्चे को, ये गलती नहीं करता बच्चा। बड़े वाले में प्लस, छोटे में माइनस। बेटा देखो कॉन्सेप्चुअली भी आ गया, ट्रिक भी आ गई, घर बैठ के इसको समझने की कोशिश करना। ग्रॉस बड़ा है, एन छोटा है, ये याद है, गैप पता है, ओके रिपोर्ट पिक्चर बन गई। जी निकालना है, एन प्लस डेप्रेशन, एन निकालना है, जी माइनस डेप्रेशन, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखना होता है सर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है मैथ्स के अंदर वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एमपी बड़ा है प्लस एनआईटी, एफसी छोटा है माइनस एनआईटी, एनपी बड़ा है प्लस एनएफआई, डीपी छोटा है माइनस एनएफआई, शब्दों पर ध्यान देना। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, ढंग से करना, जब तक ना क्लियर हो डाउट पूछो, एनी टाइम डाउट पूछो, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाकर भी दूंगा आपको, आपको मेल करूंगा या फिर कुछ भी व्हाट्सएप करूंगा, कुछ भी करूंगा, जब तक ये पक्का ना हो तो न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, शब्दों पर ध्यान देना बेटा। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स याद करके आएंगे, बड़ा कौन, छोटा कौन, ट्रक क्या, मार्कर क्या, इंडिया क्या, अब्रॉड क्या, सब ओके रिपोर्ट, आंटी का नाम पर ध्यान देना। ठीक है सर, चलते हैं बेटा जी, सब समझ आया, बहुत बढ़िया जी। ये फॉर्मूलों की ट्रिक्स याद कर लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सारे कर लेते हैं लेकिन नींव अच्छी नहीं होगी तो बढ़िया नहीं हो पाएगा कन्वर्जन के। ये सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं ट्रिक के साथ। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं सर, ठीक है, ध्यान देना। ओके मेरे बेटा, ध्यान रखो, बाहर बिल्कुल मत देख लो, बाहर निकलना बेवकूफ़ी है, 14 तारीख तक लॉकडाउन बंद होगा, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ओके मेरे बेटा, ठीक है।